मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में क्या आपने कभी थर्ड आई यानी तीसरी आंख के बारे में सुना है? इस अमेजिंग चीज का ज्ञान आपको नहीं हो ये मैं होने नहीं दूंगा। आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो के कहीं बीच में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपकी जिंदगी की सबसे शॉकिंग फैक्ट होगी। आपके पास दो आंखें हैं, एक दाएं तरफ वाली आंख और एक बाएं तरफ वाली आंख, पर क्या आपको पता है कि आपके पास एक तीसरी आंख भी है? साइंस यानी विज्ञान की दुनिया में इसी थर्ड आई को ही द पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। लोगों के ऑनलाइन पोस्टेड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इस थर्ड आई यानी तीसरी आंख के जरिए आप वो सब देख पाओगे जो आप नॉर्मल विजन से नहीं देख पाते। तीसरी आंख के खुलने के बाद आपकी इंट्यूशन पावर यानी किसी चीज को देख कर ही पूरी तरह से समझ जाने की शक्ति बढ़ जाएगी। आप दूसरों की मन की बात को आसानी से पढ़ पाओगे, प्री कॉग्निशन यानी चीजों को होने से पहले ही देख पाओगे और आपकी बुद्धि 100 से भी ज्यादा गुना तेज हो जाएगी। आपके अंदर कितनी अतुल्य शक्ति है ये आप जान पाओगे। तो थर्ड आई यानी तीसरी आंख खोलने का तरीका क्या है? हर्ट मैथ इंस्टीट्यूट में आपके दिमाग और दिल पे एक रिसर्च की गई थी और उसमें ये साइंटिफिक फैक्ट सामने आया था। द हर्ट इज मोर पावरफुल देन द ब्रेन, इट्स अबाउट 100,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकली एंड अप टू 5,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिकली देन द ब्रेन। मतलब अगर बिजली में मेजर करे तो आपका दिल आपके दिमाग से 1,00,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर मैग्नेटिकली बात करूं तो आपका दिल आपके दिमाग से 5,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ ना कि आपके दिमाग की शक्ति अतुल्य है, पर यहाँ देखो आपकी हर्ट यानी दिल की शक्ति उससे भी ज्यादा है। तो बात ये है कि लोग अपने थर्ड आई यानी अपने दिमाग के इस हिस्से ये पाइनियल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करने के लिए बैठकर अपने फोरहेड के इस जगह पर फोकस करते हैं जहाँ पर थर्ड आई है। आपने तो सुना ही होगा, मेडिटेशन के पोज में बैठ जाओ और अपने दोनों आँखों के बीच के इस जगह पर फोकस करो। मैं इसी टिपिकल टेक्निक की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कुछ हद तक थर्ड आई खोलने के लिए काम करता है पर पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होता। पर असल ट्रिक जो बहुत ज्यादा असरदार है वो ये है। जैसा कि अभी आपको पता चला कि आपका दिल यानी हार्ट आपके दिमाग यानी ब्रेन से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो पुरानी टेक्निक में आप सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, बस बैठ के अपने दोनों आंखों के बीच के पॉइंट पर फोकस करते थे। पर क्यों ना हार्ट और ब्रेन दोनों की शक्ति एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करें? दोनों की शक्ति एक साथ मिलेगी तो ये आपके लिए बहुत असरदार होगा, दिल प्लस दिमाग। तो आपको करना ये है, आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाना है और अपने दिल पर अपने हार्ट पर फोकस करना है, अपने हार्ट पर ध्यान लगाना है, आपके दिल में क्या है उसे फील करना है, अपने फीलिंग्स को फील करना है। आप चाहे तो अपने दिल पर अपना हाथ रख सकते हो, पर फील करना सबसे मेन चीज है। और अब आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको ये सोचना है, विजुअलाइज करना है कि आपकी हार्ट से एक एनर्जी निकल रही है जो आपके गले से ऊपर होकर आपकी थर्ड आई की पोजीशन पर जाकर मीट हो रही है। मतलब आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपका दिल और आपका थर्ड आई कनेक्ट हो रहा है। आपको बार बार यही इमेजिन करना है कि एनर्जी हर्ट से निकलकर आपकी थर्ड आई पर जा रही है। जब आप ये कर रहे होगे तब आप ये नोटिस करोगे कि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं होगा, क्योंकि ये करते समय आपका पूरा ध्यान आपके दिल और उस तीसरी आंख की पोजीशन पर होगा। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पूरा फोकस्ड हो जाएगा और प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में होगा। तो देखा जाए तो ये एक तरह का एक मेडिटेशन टेक्निक है विथ एडिशनल बेनिफिट्स। आपको इसमें मेडिटेशन के फायदे तो मिलेंगे ही, पर साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाएगी। और ये तो आप जानते ही होंगे कि हजारों स्टडीज में मेडिटेशन के फायदों को साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। आपको 5 मिनट इसे डेली करना चाहिए। और अगर आपका ये प्रश्न है कि थर्ड आई कितने दिन में खुलेगी, आपकी इंट्यूशन पावर
और ब्रेन पावर कितने दिन में बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये फिक्स्ड नहीं है, ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। आपको खुद डेली मेडिटेशन करते रहना होगा और जब आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी ना, तब आप खुद समझ जाओगे, आपको वो पावर फील होने लगेगी। तीसरी आँख खोलने के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीजों की जरूरत है, पर जानते हो आपके थर्ड आई को खोलने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो सुनो, इसका उत्तर है आपका इंटेंशन, मतलब आप अंदर से कितना प्रेरित हो इस थर्ड आई को खोलने के लिए। आपके अंदर वो डिजायर, वो इच्छा है, इच्छा का होना जरूरी है। आपकी इच्छा आपके शरीर को इफेक्ट करती है। एक मिनट, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आपकी इच्छा और सोच आपके शरीर को इफेक्ट करती है। और अब मैं आपको वो फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि ये आपकी लाइफ का सबसे शॉकिंग फैक्ट होगा। ध्यान से सुनना। डॉक्टर मसारू इमोटो, जो कि एक बहुत बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने अपने सामने पानी रखा और उसको क्रिस्टलाइज किया। जब वो पानी क्रिस्टलाइज हो रहा था, तब वो पानी को देखते देखते ये सोच रहे थे, आई लव यू, मतलब वो पानी को आई लव यू कह रहे थे। तब जब क्रिस्टलाइज पानी को माइक्रोस्कोप से देखा गया, तब वो कुछ ऐसा फॉर्म बना रहा था, एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल डिजाइन। और दूसरी बार उन्होंने जानबूझकर ये सोचा, आई हेट यू। और तब जब वाटर को देखा गया, तब कुछ ऐसा पिक्चर सामने आया। फिर उन्होंने पानी को देखकर ये सोचा, थैंक यू। तब पिक्चर कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा, यू आर अ फूल, तुम बेवकूफ हो। तब फिर पानी अपना स्ट्रक्चर खो दिया और एक बिना सिमेट्री वाला भद्दा सा डिजाइन सामने आया। क्या आप पैटर्न को देख पा रहे हो? मतलब जब भी कुछ पॉजिटिव सोचा जा रहा था, तब वाटर एक बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन बना रहा था। ऐसा मानो कि पानी आपके बातों को सुन रहा है। और जब भी कुछ खराब बोला जा रहा था, तब वाटर एक टूटा हुआ फॉर्म बना रहा था। डॉक्टर इमोटो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर वो अवचेतन मन की शक्ति का एक जबरदस्त प्रूफ देकर गए। उन्होंने ये साबित किया कि वो जो सोच रहे थे, उसका असर दूर रखे हुए पानी पर भी हो रहा था। और इन्होंने इसे साइंटिफिक तरीके से प्रूफ भी किया। उन्होंने ये प्रूफ किया कि हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है। आप जो सोचते हो, उसका असर आपके आसपास की चीजों पर होता है। आपके दिमाग को अभी तक विज्ञान नहीं समझ पाया, इसलिए जितनी सिद्धियाँ, अवचेतन मन की शक्ति, ये ऐसी चीजें हैं जिसे साइंस येट टू डिस्कवर है। यानी अभी तो रिसर्च की बस शुरुआत ही हो रही है। दिमाग इस शरीर की ही नहीं, दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज है। डॉक्टर इमोटो जैसे साइंटिस्ट्स अब दुनिया में काफी कम ही हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाते। पर ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, ये तो ये साबित करता है कि आपके दिमाग के बारे में ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में विज्ञान अभी तक अवेयर नहीं है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैंने ये पानी वाला एक्सपेरिमेंट आपको क्यों बताया। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अपनी सोच की शक्ति को जान सको। और इस एक्सपेरिमेंट का तीसरी आंख खुलने से क्या संबंध है? इसका तीसरी आंख खोलने से ये संबंध है कि अगर आप वो विजुलाइजेशन टेक्निक जो मैंने आपको बताया, वो हार्ट को थर्ड आई से जोड़ने वाली, वो अगर आप मन से, इंटेंशन से करोगे, तभी आप उसे खोलने में कामयाब रहोगे। तो आपके अंदर एक गहरी इच्छा, एक गहरा इंटेंशन होना चाहिए। आपके अंदर एक इच्छा, एक सोच रहेगी कि मुझे थर्ड आई खोलना है, तभी ये आपके शरीर को इफेक्ट करेगा। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि डॉक्टर इमोटो के मामले में उन्होंने अपनी सोच की शक्ति से पानी को इफेक्ट किया था, तो अगर आप थर्ड आई को खोलने की इच्छा रखते हो, तो वो इच्छा आपके शरीर को कैसे इफेक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर है एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, और वो ये है, योर बॉडी इज 70% वाटर। आपने तो ये जरूर सुना होगा कि हमारा शरीर लगभग 70% पानी है। तो इसका मतलब आपकी सोच आपके शरीर को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आपके अंदर इंटेंशन होगी, तो आप थर्ड आई क्या, आप कुछ भी कर सकते हो। अपने शरीर के जितने पावर्स हैं, सबको अनलॉक कर सकते हो। पानी को जब आई लव यू बोला गया, तब पानी एक सुंदर सिमेट्री बना रहा था
और जब पानी के बारे में खराब सोचा गया तो वो एक रफ फिगर बना रहा था। तो इसका मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा काम करता है। पॉजिटिव सोचने से खुशियाँ फैलती है, और दुनिया का हर एक इंसान अगर सकारात्मक सोचे तो ये दुनिया को श्योरली बदल देगी। सकारात्मक सोच तो आपकी जिंदगी बदलेगी ही, पर अगर तीसरी आंख की बात पर आए, मेडिटेशन कर रहे हो तो इच्छा भी होनी चाहिए। तो आप अपने अंदर एक इंटेंशन रखो कि मैं अपने थर्ड आई को खोलना चाहता हूँ, तभी आपकी मेडिटेशन सफल होगी। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो माय थर्ड आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, तो आप लाखों नहीं करोड़ों लोगों के अनुभवों को पढ़ पाओगे। मैं आपको ये बताता हूँ ना कि कोई कोई इंसान को आप पहली बार देखते हो और बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी वजह के आपको वो बहुत अच्छा लगने लगता है, और दूसरे केस में एक दूसरा इंसान है जिसे आप पहली बार ही मिलते हो, पर पहली बार में ही आपको ये मन करता है कि मैं उसे एक घूसा मार दूं। तो ये जो आपकी सिक्स्थ सेंस की शक्ति है, ये बहुत हद तक बढ़ जाएगी जब आपकी तीसरी आँख खुलेगी। ये जान लो कि आपके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आपके अंदर अतुल्य ऊर्जा है, ट्रिमेंडस पावर है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, और अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति के जरिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप इस शक्ति को हासिल नहीं कर पाते, समझने की शक्ति को नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया है जो आपको लिमिटेड बनाता है। इस दुनिया ने आपको सीमित कर दिया है। हो सकता है कि आप किसी काम को करने में बहुत अच्छे हो, पर दुनिया आपको कहती है कि तू ये नहीं कर सकता, और क्योंकि ज्यादातर लोग यही कहते हैं तो ये आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और उसके चलते आप यही मानने लगते हो कि मैं वो काम नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने आप को लिमिट में रखोगे, दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित होगे, तो नहीं काम चलेगा। अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे और एक लिमिट के अंदर रहोगे, तो आप अपनी थर्ड आई कभी भी नहीं खोल पाओगे। इसलिए बी लिमिटलेस। तीसरी आंख यानी थर्ड आई और कुछ नहीं, आपका सिक्स्थ चक्र है, जिसे अजना चक्र कहते हैं। वो आपके शरीर के सात चक्रों में से एक है, और जैसा कि मैंने कहा, वो आपके दोनों आईब्रोज के ऊपर और बीच में बिल्कुल इस जगह पर होता है। ये आपकी समझ, आपके समझाने की शक्ति और दूसरों की मन की बात को जानने से जुड़ा हुआ है। ये तीसरी आंख हमारे इस दुनिया और इस दुनिया के परे की दुनिया के बीच की पुल है, एक ब्रिज है जो दोनों दुनिया को जोड़ती है। तो जो मैं बार बार इंटरडायमेंशनल क्वांटम रेल्म के बारे में बात करता रहता हूँ, वही है वो तीन से भी ज्यादा डायमेंशन से बनी हुई दुनिया, क्योंकि आप अपनी तीसरी आंख की मदद से देख पाओगे। और क्वांटम फिजिक्स में ये प्रूव हो चुका है कि एक्चुअल में हमारे इस दुनिया में तीन से ज्यादा डायमेंशन है। साइंस ये कहता है कि ये पाइनियल ग्लैंड आपके ब्रेन के इस जगह पर मौजूद होता है। ये पाइनियल ग्लैंड हर एक इंसान के अंदर होता है, और ये आपके शरीर के उन अंगों में से है जिसके बारे में वैज्ञानिक बहुत कम जानते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में साइंटिस्ट्स जस्ट जानना शुरू ही कर रहे हैं, और पाइनियल ग्लैंड उनमें से एक है। साइंटिस्ट्स को बस ये पता है कि ये एक मेलाटोनिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। आगे जो रिसर्चेज होंगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर स्पिरिचुअल बातें भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत कोई मुझसे पूछते हैं कि क्या हो अगर मेरी अजना चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो पहले से ही खुली हुई हो। तो इसका उत्तर सिंपल है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको उसके संकेत दिखने लगेंगे। आपके थर्ड आई की पोजीशन पर कभी कभी दर्द होगा। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं जो बाद में जाकर सच हो जाते हैं, तब तो आपको प्री कॉग्निशन का पावर थोड़ा थोड़ा मिल चुका है। तब तो आप मान ही लो कि आपकी पाइनियल ग्लैंड थोड़ी सी स्टिमुलेट हुई है। आपकी तीसरी आंख पहले से ही खुली हो या बिल्कुल भी नहीं हो, पर आप अपनी इच्छा से उसे पूरी तरह से खोल कभी भी सकते हो। पहली रिक्वायरमेंट थी इंटेंशन यानी इच्छा, जिसमें मैंने वो पानी वाली एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। तो अब दूसरी मेन चीज जो आपको थर्ड आई खोलने के लिए चाहिए, वो ये है, बीइंग योरसेल्फ एंड गोइंग इनटू नेचर। आप जो असल में हो, आपको वो बनना चाहिए। अपने असल सेल्फ से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। आजकल की टेक्नोलॉजिकल दुनिया
हमें अपने आप से ही अलग कर देती है। ये अंदर से आपका सूक्ष्म शरीर जानता है कि आपको नेचर यानी प्रकृति पसंद है, पर धीरे धीरे आप नेचर यानी प्रकृति से भी दूर होते जा रहे हो। आजकल के टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, ये सब हमें नेचर से दूर लेते जा रही है। ये सब इस्तेमाल करो, पर एक लिमिट में करो। एंड गो गेट सम सनलाइट मैन, जाके थोड़ा पेड़ पौधों के बीच में समय बिताओ, पार्क्स में घूमो, नेचर में वक्त बिताओ, अकेले बैठो या गर्लफ्रेंड के साथ बैठो, ये आपकी मर्जी है। ये हम सब जानते हैं कि नेचर यानी प्रकृति में रहने से आपके शरीर को फायदा ही होता है। आप जितना अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे, ये आपको उतना ही आपके तीसरी आंख खुलने के करीब ले जाएगा। हमने नेचर में रहने की तो बात कर ली, पर बीइंग योरसेल्फ भी जरूरी है। देखो, आपको आपके बारे में जो भी बताया गया है वो आपको दुनिया बताती है कि तू ऐसा है और तू ऐसा है, जो कि गलत है। आपने अपने आप को कभी ठीक से देखा ही नहीं। अकेले में नेचर में टाइम स्पेंड करोगे ना, तब अपने आप को आप अच्छे से समझ पाओगे और उस सिस्टम को नहीं मानोगे जो इस दुनिया ने आपको बताया है। आपके अंदर एक अलग टैलेंट है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं। भले ही आप अपने आप को कितना भी वर्थलेस फील कर लो कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, पर आप स्पेशल हो। इस बात को हमेशा याद रखना। अपने आप की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, अपने आप की इज्जत करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हो तो आप किसी और से भी नहीं कर सकते। आपको पता है, अगर आपकी अभी की लाइफ की कंडीशन सही नहीं है, फिर भी आप अपने आप को एक जादुई तरीके से सही कर सकते हो। वो जो वाटर एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी सोच पानी को इफेक्ट करती है, और जो मैंने ये बताया कि आपका शरीर करीब 70% पानी है, तो इसका मतलब अपने आप की रेस्पेक्ट करोगे, अपने आप को इज्जत दोगे, तो आपका शरीर एक अच्छा फॉर्मेशन लेगा। जस्ट लाइक दैट सिमेट्रिकल डिजाइन ऑफ द वाटर, बिल्कुल उसी पानी की तरह, और आप और हेल्दी बन जाओगे। बट अगर अपने आप के बारे में खराब सोचोगे तो इससे बुरी बात और कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। वापस थर्ड आई पर आते हैं। जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी, तब आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हो? सबसे पहले तो जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी, आपको ये दुनिया बहुत अजीब लगने लगेगी, क्योंकि आप इस माया से बाहर निकलोगे और उस दूसरी दुनिया को देख पाओगे जो 3D यानी तीन डायमेंशन से भी ऊपर है। आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप सिर्फ इंसान नहीं हो, आप एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो जो सिर्फ एक इंसान के रूप में है। आप लिमिटलेस हो, आप अमेजिंग हो, आप असल में बहुत शक्तिशाली हो। मेडिटेशन अपनी थर्ड आई खोलने का सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ऐसे मेडिटेट करो वैसे करो, आप जैसे चाहे वैसे करो, पर जैसे भी आप करो वो आपके तीसरी आंख पर प्रभाव डालती ही डालती है। आपकी थर्ड आई धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो डेली सिंपल मेडिटेशन भी करता है ना, उसके सीखने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। मैं कहा जाता है क्या बोल रहा हूँ, असल में ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मतलब अगर आप दोनों आंखों के बीच के फोकस वाली टेक्निक, यानी वो टेक्निक जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया, अगर आप वो नहीं भी करोगे, अगर जस्ट सिंपल मेडिटेशन भी करोगे ना, तब भी ये आपके थर्ड आई को इफेक्ट करेगा। वो आंखों के बीच वाली मेडिटेशन उनके लिए है जो कम समय में अपनी थर्ड आई को स्टिमुलेट करना चाहते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए एक सिंपल मेडिटेशन ही काफी है। सिंपल मेडिटेशन ही आपकी पाइनियल ग्लैंड को स्टिम्युलेट कर देगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग यानी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति और सकारात्मक सोच आपको जिंदगी में कैसे और अच्छा बनाती है, इसका संपूर्ण ज्ञान आपको मिल गया होगा, और साथ ही साथ पाइनियल ग्लैंड थर्ड आई यानी तीसरी आंख को भी आपने